जी, मैं तो आपको राखी में कुछ देना भूल गए। उसकी कोई जरूरत नहीं है वीरा, राखी पर सिर्फ वीर ही अपनी बहन को देता है, बहन वीर को नहीं। क्यों वीर जी, ऐसा क्यों? क्यों चाहे जी, बहन क्यों नहीं देती? क्योंकि रीत होती है। रीत? रीत क्यों होती है? किसी के नसीब में लिखा होता है कि उम्र से मरना है, तो किसी के नसीब में लिखा होता है कि बीमारी से मरना है। पर हाय रब्बा, मेरे तो नसीबों में लिखा है कि तुम दोनों के सवाल के जवाब देते देते मर जाऊं मैं। और दसो, रीत की होनी है? रीत रीत होती है। तू बस चुप जा, नाश्ता कर। वीजी, मैं आपको खिलाऊं? नहीं, मैं अपने हाथ से पराठा बना के आपको खिलाऊं। तू पराठा बनाएगी? हाँ वीजी। तू तो इतनी छोटी है, तू पराठा कैसे बनाएगी? जब बड़ी हो जाएगी ना, तब मैंनू अपने हाथ का पराठा बना के खिलाना। अभी चुपचाप नाश्ता कर। वीजी, मैं बड़ी हूँ। चुप कर, एक भी सवाल नहीं। छोटे चल, डाल इसके मुंह में नाश्ता। बीजी, क्या है? आज मैं बनाऊंगी बीजी के लिए दोपहर को पराठा। बनाऊंगी ना बीजी? नहीं। क्यों बीजी? क्योंकि तू अभी बहुत छोटी है। बीजी, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं इतने साल की हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, मैं 5 साल की हूँ। बनाओ ना बीजी। रणवी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, ये ले, मेरे लिए सिर दर्द की दवाई लेकर। बीजी, मैंने पराठा बनाना है बीजी के लिए, बोलो ना मैं कब बनाऊं? बिल्कुल, लग पैसों से भर जाएगा तब बना देना। और तू जा ना, जा जल्दी से दवाई लेकर, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हुण ते 5 साल हो गए, अपने आप नूं कब तक सजा देगी पुत्तर? जब तक मेरे सरपंच जी लौट कर नहीं आते तब तक रब के साथ एक लेन देन की बात हुई है मेरी। मैंने कहा है रब नूं कि अगर वो चाहते हैं कि मैं इस बच्ची को अपना लूं, उसका ध्यान रखूं, उसकी मां बनूं, वो मेरे रांझणे को लौटा दे। जो मेरे सरपंच जी वापस मिल गए मैंने, तो मैं इस बच्ची को दिल से अपना लूंगी। वैसे रब्बा, सौदा चंगा है, वही हुण ते मेहर कर दे इस घर पर, मेरी रतन को उसका पति मिल जाएगा और उस मासूम बच्ची को उसकी माँ।
सुन रहा है ना रब्बा?